press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक ओर जहां चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है, तो वहीं भारत ने इस जानलेवा बीमारी से जंग में दोहरी जीत हासिल की है। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमित दूसरे मरीज की स्थिति में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बात की पुष्टि केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने की। वहीं हरियाणा के मानेसर में निगरानी केंद्र में रखे गए चीन के वुहान शहर से आए 252 छात्रों में कोरोना वायरस को लेकर उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के 3 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 2 की हालत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केरल सरकार ने कहा है, अब तक संदिग्ध कोरोना वायरस मामले के 418 नमूने परीक्षण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए, जिनमें से 405 के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित 3 लोगों की पुष्टि हुई थी, उनमें से 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।